हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित गर्ग है और टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट म्यूचुअल फंड. व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड वी शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और नॉट. ओके फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड है दोस्तों. ये सेबी द्वारा मैनेज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है. सारे रूल रेगुलेशन सेबी बनाता है और ये एक ट्रस्ट द्वारा म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं आप. इसमें एक एंटिटी खुल जाती है, ट्रस्ट बोलते हैं उसको. और इसका सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, ये ना यूनिट इशू करता है, यूनिट कैपिटल इशू करता है उसको यूनिट कैपिटल बोला जाता है. जैसे कंपनियां शेयर इशू करती हैं उनको इक्विटी शेयर बोलते हैं, तो इसमें यूनिट कैपिटल बोला जाता है. और हमेशा जब भी इशू करेगी एट नेट एसेट वैल्यू इशू करेगी. जो भी ट्रस्ट यूनिट को इशू करेगी, यूनिट इशू ऑलवेज एट नेट एसेट वैल्यू. दोस्तों नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे. और जैसे अभी इन्होंने 1000 यूनिट इशू कर दी और एक यूनिट 100 रुपये गया, तो 100000 रुपये इनके पास आ गए. तो दोस्तों ये 100000 रुपये का क्या करेंगे, यूज ऑफ फंड मतलब जो 100000 रुपये के इन्होंने यूनिट इशू किए हैं, तो दोस्तों ये ट्रस्ट क्या करता है, प्रोफेशनल को हायर करता है. इनको नॉलेज होती है, बिल्कुल अच्छे वाली नॉलेज ऑफ मार्केट होती है इनको. नॉलेज ऑफ मार्केट इनको दोस्तों, पूरी मार्केटिंग की नॉलेज होती है, फाइनेंशियल नॉलेज होती है. और ये पूरा एनालिसिस करते हैं कोई भी कंपनी की होगी, जैसे रिलायंस होगी, रिलायंस ग्रुप हो गया, और बड़े टाटा ग्रुप हो गया, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट के बहुत स्कोप होते हैं और उनमें लॉस का कोई भी चांस नहीं होता. तो ये दोस्तों उन कंपनियों को एनालिसिस करते हैं और उनकी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके बॉन्ड खरीद लेते हैं, उनके फिक्स्ड डिपॉजिट करवा देते हैं, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि शॉर्ट टर्म क्यों करते हैं कि जैसे एक्सपेंस को बेयर करने के लिए, डेली रूटीन के एक्सपेंस बेयर करने के लिए. और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी सारी तरह की इन्वेस्टमेंट ये कर लेते हैं एज पर देयर एनालिसिस. तो दोस्तों इनमें म्यूचुअल फंड का सिस्टम क्या होता है, म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में ये लगा लो, अगर कोई कंपनी इधर स्टार्ट हुई है, ये है 1 अप्रैल 2018 को ये कंपनी शुरू हुई है, ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है वो इधर शुरू हुई है. और इसने अपने 100000 यूनिट इश्यू किए हैं 10 रुपये के. ये है पार वैल्यू, क्योंकि आज के दिन तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ इसने कंपनी स्टार्ट की है और ये एक ट्रस्ट स्टार्ट की है म्यूचुअल फंड के नाम से. और इसने 100000 यूनिट कर दिए हैं इश्यू 10 रुपये के हिसाब से. तो इसके पास देखिए सर, इनके पास 1000000 रुपये आ गए हैं. तो अब ये क्या करेंगे इन 1000000 रुपये का, एज्यूम करते हैं हम इन्होंने 900000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए, अदर में किसी में कितने कर दिए, किसी में 100000 कर दिए, किसी में 200000 कर दिए, किसी में 500000 कर दिए, किसी में और 100000 कर दिए. ये इक्विटी खरीद लिए इन्होंने, ये FD खरीद लिए, और ये बॉन्ड खरीद लिए, ये अदर इन्वेस्टमेंट कर दिए इन्होंने, ठीक है. और जो 100000 रुपये बच गए वो डेली एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस के लिए इन्होंने रख लिए. तो मेनली मतलब क्या हुआ, इनकी 900000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी और 100000 रुपये कैश इन हैंड हो गया. तो दोस्तों अब हम किसी कोई भी दिन ले सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन 24/7 होती है, किसी भी टाइम वैल्यूएशन हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये नेट एसेट वैल्यू पे सेल होते हैं, तो क्योंकि इसलिए इनकी वैल्यू टाइम टू टाइम होती रहती है, ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है. जैसे अब हम 1 जुलाई 2018 को खड़े हैं और उनकी सारी जो 900000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी हमने, किसी की कितनी वैल्यू होगी है, किसी की कितनी वैल्यू होगी है, तो कुल मिला के सारी 1200000 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है. और जो 100000 रुपये बचे थे हमारे पास, उसमें से लेस हो गए हैं 20000, मतलब ये एक्सपेंस हो गया है दोस्तों. तो बैलेंसिंग कितना रह गया, 80000 रुपये. तो दोस्तों 1280000 रुपये की अपने पास इन्वेस्टमेंट हो गई है दोस्तों.
12,80,000 रुपये की। तो आज के दिन इसकी वैल्यू है 12,80,000 रुपये। तो स्टार्टिंग में कंपनी ने कितने इश्यू किए थे, 1,00,000 यूनिट इश्यू किए थे। तो हम इसको 1,00,000 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी एक लाख होल्डर है ना यूनिट, तो हम इसको 1,00,000 से करेंगे तो 12.80 इसकी नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई 1 जुलाई 2018 को म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहेगा, इसकी एक भी यूनिट परचेज करेगा, तो उसकी वैल्यू होगी 12.8 रुपये पर यूनिट। तो दोस्तों देखो, जो प्रोफेशनल ने इन्वेस्टमेंट की और उनकी वैल्यू बढ़ गई है, और 80,000 रुपये ये हमारा कैश इन एंड है, 20,000 रुपये हमारा खर्चा हो गया, डेली रूटीन का 12,80,000 रुपये हमारे बच गए। तो 12.80 है वैल्यू इसकी, तो 12.80 पे ही ये सेल होगा, ठीक है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड क्यों बनाया गया दोस्तों, नीड ऑफ म्यूचुअल फंड क्या थी दोस्तों, जैसे कि अब कोई ABCD ये चार बंदे हैं, इनको इन्वेस्ट करना है पैसा, लेकिन इसके पास हैं 10,000 रुपये, इसके पास हैं 1,00,000 रुपये, इसके पास हैं 5,00,000 रुपये, और इसके पास हैं 50,00,000 रुपये। अभी ये 50,00,000 रुपये वाला बंदा तो इन्वेस्ट कर लेगा, सेल्फ इन्वेस्ट भी कर सकता है, हायर भी कर लेगा किसी को, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, 50,00,000 रुपये के लिए ये किसी को 20,000 रुपये पर मंथ भी दे देगा, ठीक है दोस्तों। इसके पास अमाउंट भी बड़ी है, और ये सैलरी पे भी रख सकता है किसी बंदे को जो प्रोफेशनल होगा, तो वो इसके पैसे इन्वेस्ट भी कर देगा, ठीक है। प्रॉब्लम किन के लिए है, इनके लिए है दोस्तों। अभी ये जो 10,000 रुपये वाला बंदा है, 10,000 रुपये वाला इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, बिग कंपनी में जिसकी गुडविल बहुत बढ़िया है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इसके रीज़न बहुत हो सकते हैं, रीज़न क्या है, लेस फंड, लेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसको नॉलेज ना भी हो क्या बता, इस बंदे के पास 10,000 जिसके पास है, इसके पास नॉलेज नहीं होगी तो ये किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता, ये एक्सपेंस नहीं भी है कर सकता, और बहुत सारे रीज़न होते हैं जिस वजह से ये बंदा इन्वेस्टमेंट तो करने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास ना तो नॉलेज है, ना पैसा भी कम है, और जो प्रोफेशनल बंदा हायर करना वो भी नहीं हायर कर पाएगा ये, और मार्केटिंग एनालिसिस करनी पड़ेगी 10,000 रुपये के लिए। अगर बंदा 20% रिटर्न भी कमाता है 10,000 रुपये पे, कितने कमा लेगा, 20% 2,000 रुपये, तो ये 2,000 रुपये के लिए इतना 2,000 रुपये कमाएगा 10,000 रुपये पे एक साल में, तो इसको एनालिसिस इतनी मार्केट करनी पड़ेगी, इसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड स्मॉल जो इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड स्मॉल इन्वेस्टर को कंबाइंड करके जैसे ए के पास 10,000 रुपये थे, ऐसे बंदों जैसे 10,000 पर्संस हैं जिनके पास ये 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हो गए ये दोस्तों, इतनी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी दोस्तों, तो फिर ये पैसा इन्वेस्ट करने में कितनी आसानी हो जाएगी। अब ये प्रोफेशनल भी हायर कर लेंगे, नॉलेजेबल पर्सन हायर कर लेंगे, बिग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, हैं सारी इन्वेस्टमेंट एक बास्केट में नहीं होगी दोस्तों, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड से बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती, जिनके पास पैसा कम होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट लाया गया, जिससे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके बड़ी कंपनी बन जाती है, बड़ी ट्रस्ट बन जाती है, तो फिर वो
इन्वेस्ट करती है और वो हर साल डिविडेंड पे करती है, उसका नेट एसेट वैल्यू बढ़ता रहता है। वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना रिस्क देखेंगे, रिस्क के बेस पर करिए, क्योंकि जो इक्विटी में इन्वेस्ट होती है जो मार्केट बेस पे है, अगर मार्केट में वैल्यू डाउन चलेगी तो मार्केट में वैल्यू डाउन चलेगी। हाँ, उसका बेनिफिट ये है क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल बंदों द्वारा किए जाएंगे, ऐसे नहीं है कि अननॉलेजेबल बंदे हैं, उनको नॉलेज नहीं है किसी टाइप की तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारे प्रोफेशनल बंदे होते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।